हेलो कार लवर, आज मैं आपके लेके आऊँ टाटा टियागो का ऑनरशिप रिव्यू वीडियो जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो चलिए, जिसकी कार है वो सर का स्वागत करते हैं अपने चैनल में। सर प्लीज, सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में, हमारे ऑडियंस को हाय बोल दीजिए एक बार। तो चलिए, आज हम सर से बात करेंगे इस टाटा टियागो के बारे में। सर सबसे पहले आप ये बताइए, सर कब का मॉडल है ये अपना? ये 2018 का मॉडल है। 2018 मॉडल। सर अब जैसा कि ऑनरशिप रिव्यू वीडियो में हम पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस कॉस्ट सर्विस वगैरह क्या रहती है उस पर बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसके पॉजिटिव से कि आपको इस कार में सबसे अच्छा क्या लगता है? कि तो ठीक लग रहा है मॉडल, मुझको टॉप मॉडल, इसलिए इसका रिजल्ट तो अच्छा लग रहा है। परंतु थ्री सिलेंडर होने की वजह से थोड़ी सी उसमें नेगेटिव पॉइंट आ रहे हैं, अंदर कुछ आवाज़ें आती है। चलिए अब बैठते कार के अंदर में और सर से अंदर ही डिस्कस करते हैं कि हम आ गए कार के अंदर। चलिए अब बात करते हैं। सर आप ये बताइए, अभी तक आपने कार को कितनी चला ली है? लगभग 5600 किलोमीटर चला लिया मैंने अभी तक। 5600? सर अभी तक तो 10,000 की एक फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई होगी, जो कि 1,000 किलोमीटर वाली रहती है मेंटेन सर्विस। हाँ। वो आपको कैसी लगी है? बहुत अच्छी सर्विस, ठीक है। जैसे टाटा को बात करते हैं कि टाटा की सर्विस उतनी खास नहीं है, तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, सर्विस हमको पॉजिटिव आ रही है वहाँ से। और सर बात करें माइलेज की, तो आप कितना एवरेज निकाल लेते हैं इससे? लगभग 18 किलोमीटर पर लीटर निकल जाता है। 18 किलोमीटर पर लीटर, चलाने में कैसी लगती है आपको? गुड, बहुत अच्छी है। तो देखा होगा आपने, टाटा टियागो के एक बेस्ट ऑनर है, जो कि यानी सर्विस प्रोवाइडर से भी कोई इनको प्रॉब्लम नहीं हुई है, कुछ नहीं है। सर अब बात कर लेते इसके नेगेटिव की, जैसा कि आपने बताया थ्री सिलेंडर इंजन की वजह से नॉइज आती है। हाँ आती है, कुछ तो ऐसा महसूस होता है मुझको। उसके अलावा चलाने में या फिर कोई और नेगेटिव चीज जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव लग रहा है। इसके अलावा कुछ तो है नहीं, अभी तो ठीक चल रहा है। अपन यानी सर बात करें इसके प्राइस की, तो कितने में पड़ी है आपको ये? ये लगभग 7.5 लाख की पड़ी थी मुझको उस समय, विद एक्सेसरीज। विद एक्सेसरीज। सर अब बात कर लेते हैं कि आपका यानी टियागो ही पर प्लान क्यों बना, या फिर टियागो ही लेने की आपने क्यों सोची? फैमिली प्लानिंग के हिसाब से हम लोगों ने तो टॉप मॉडल को सिलेक्ट किया था, और टाटा की ही गाड़ी मुझे को खरीदने का थोड़ा सा मूड था, इसलिए मैंने उसको चॉइस किया। और बाकी जो चीज़ें थी इस टॉप मॉडल मेरे को अच्छी लगी, इसलिए मैं इसको चॉइस किया। सर ऐसा कि यानी टाटा पे क्यों, बिल्ड क्वालिटी को लेके या फिर कुछ और को लेके? हाँ, बिल्ड क्वालिटी को, 4-स्टार रेटिंग के साथ में ही आती है टाटा की। तो यही था एक छोटा सा ऑनरशिप रिव्यू वीडियो की कार कैसी थी। तो चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।